दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने जो प्लांट आपके सामने लाकर रखे हैं। पहले मैंने इस पर वीडियो, मेडिसिनल प्लांट के लिस्ट में अगर जाओगे तो आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ये पत्थर कट्टा या पत्थर चट्टा, जख्म हयात, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको मिरेकल लीव भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का दूर करने का गुण अपने में रखे हुए हैं। और लगाने की बात अगर करोगे तो इतने आसानी से लग जाता है कि इसको आप यहाँ देख लो, ये पत्ते से, इसके पत्ते नीचे की तरफ झुके हुए थे तो इसमें रूट आ गए हैं और ये प्लांट बनकर तैयार हो गया है। तो ये बहुत आसानी से मतलब लग जाएगा, आपको मिल जाएगा और हर जगह मिल जाता है। आप बात करनी है कि किन किन बीमारियों में ये काम में आता है और क्या क्या इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, बीमारियों में इसको अगर कहोगे तो सबसे ज़्यादा ये जाना पहचाना है किडनी स्टोन के बारे में। किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं उसको ये तोड़ करके बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही ये मसल्स पेन, जिनको हो, इंसेक्ट बाइट कर लिया हो, काट लिया हो, गॉल ब्लडर में अगर स्टोन हो, हेडेक हो, यहाँ तक कि कैंसर में भी ये फायदेमंद हो रहा है, ऐसा सुनने में मुझे आया है। इसके साथ ही आप इसको जॉन्डिस में, हाई ब्लड प्रेशर में, अल्सर में, इस सब में भी इसका उपयोग कर सकते हो। बहुत सारी बीमारियों में यूज तो करनी है, ये बात मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी, लेकिन यूज करनी कैसे है इसी को मुझे शेयर करने के लिए, चूँकि कॉमेंट में आया था यूज कैसे करनी है, तो मुझे आया कि मैं चलो इस पर वीडियो आपको बनाकर डाल दे रही हूँ। इसको वीडियो को शेयर करने के पीछे मेरा यही मकसद है कि इसका सही उपयोग किया जाए, ऐसा ना हो कि गलती से उपयोग अगर कर लेते हैं तो फायदे के बदले कोई नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं पहला मेथड कि आप इसको पत्ते को कच्चे भी चबाकर खा सकते हो। अगर लिप्स बड़े हैं, आप इतने बड़े लिप्स ले रहे हो, तो एक पत्ते आपके लिए काफ़ी होंगे। एक आपको खाली पेट में सवेरे खा लेनी है और एक पत्ता शाम में आपको खा लेनी है। शाम में तो आप खाली पेट रहोगे नहीं, लेकिन शाम में भी आपको एक पत्ते इसको खाने हैं। साथ ही अगर पत्ते आपके बड़े नहीं हैं, आपको छोटे पत्ते मिल जाते हैं, तो आपको क्या करनी है, दो दो पत्ते खाने हैं, दो सवेरे और दो शाम में खाने हैं। यहीं पर मैं एक चीज़ और आपको शेयर करती चलूं कि हड़बड़ा के होता है ना, जल्दी से ज़्यादा दवा खा लेंगे जल्दी ठीक हो जाएगा, सारा पत्थर को एक साथ निकाल के फेंक देगा, ऐसा नहीं है। आप इसको तेज़ी करने में ऐसा ना करें कि ज़्यादा खा लें, ज़्यादा खाने से इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए, चबा करके तो आपने पहले मेथड में खा ही लिया, अब आते हैं दूसरी मेथड में, जिसमें आपको इसके पत्ते को ग्राइंड करना है। अगर आपके पास पत्थर वाला है तो उसमें आप करके इसको कर सकते हो, या मिक्सी में भी ग्राइंड कर लो। तो दो से तीन पत्ते को आप ग्राइंड कर लो और उसके जूस को आप पी सकते हो। लेकिन इसमें एक बात है, हो सकता है कि आपको ग्राइंड करने में ठीक से बने नहीं, तो थोड़ी सी दो चार चम्मच पानी डालकर उसको आप ग्राइंड कर लो और इसके जूस निकाल कर बस वही सवेरे और शाम में आपको पीनी है। सवेरे में खाली पेट में पीनी है और शाम में पेट भरे रहने पर भी पी सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अब मैं चलूँगी तीसरा मेथड पर। दोस्तों, तीसरा मेथड मैं आपको जरा सा इंटरटेनमेंट वाली बता देती हूँ। आप इसकी चटनी बना लो, बहुत अच्छी लगेगी। ये हल्की सी खट्टी होती है, इसके पत्ते की चटनी बना लो और उसको भी सवेरे और शाम में आप खा सकते हो, और वो अच्छी भी लगेगी, ये स्वाद में आपको बुरी नहीं लगेगी। दोस्तों, अब चौथे में थर्ड पर आते हैं कि इसमें आप कैसे खा सकते हो। तो इसमें आप दो या तीन पत्ते को लो, एक ग्लास पानी ले लो, उसमें इसको उबालो, बॉयलिंग मेथड। बॉयल करने में जब इसके पानी 1/3 रह जाए, बचे रहें, यानी काढ़ा इसका तैयार हो जाए, तो उसको छान करके आप सवेरे और शाम पी लिया करो, तो ये भी बहुत बेनिफिट वाला होता है। दोस्तों, अब आते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर में आपको अगर किसी भी तरह का आपके
अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी किसी को, किसी कीट ने काट लिया हो, इंसेक्ट ने डंक मार दिया हो, तो इसके पत्ते को आप कुचल लो, कुचल कर आप वहाँ पर उसको इसके पत्ते के को लगा दो तो फायदा होगा। साथ ही अगर किसी को घाव हो तो उस पर भी इसके पत्ते को आप कुचल कर लगा सकते हो, तो वो भी आपको फायदे होंगे। दोस्तों अब आते हैं आपका छठा नंबर पर कि इसमें क्या करना है। ये उनके लिए फायदेमंद है जो आपने विलेज में जाते हैं, उनको ये प्लांट दिखाई तो देते हैं, उनको उपयोग भी करनी होती है, लेकिन वो इसको लेकर के वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि इसके पत्ते को सुखा कर ड्राई होने के बाद इसके पाउडर बना लें और पाउडर को ले जाएं, और पाउडर एक चम्मच सवेरे और एक चम्मच शाम में पाउडर इसका लिया करें। दोस्तों अब सेवेंथ नंबर पर आते हैं, तो इसमें आपको करना यह है कि पत्ते को आप तावा जिस पर रोटी बनाते हो उस पर या हॉट प्लेट पर इसको पत्ते को गर्म कर लो। गर्म करने के बाद नीचे उतार कर उसको कुचल लो, और कुचला हुआ जो इसका पत्ते का है हिस्सा, उसको जहाँ पर आपको मसल्स पेन हो या किसी भी तरह का पेन हो वहाँ पर उसको डाल कर और कॉटन कपड़े से आप उसमें पट्टी कर दो, तो ये वहाँ पर आपके दर्द को समाप्त कर सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं गोल्ड ब्लडर में अगर आपको किसी को स्टोन होता है तो उसमें थोड़ी सी सुधार करनी होगी। पत्ते के जूस तो उसमें भी बना लेने होंगे, लेकिन उसमें एक चम्मच मधु, जिसको हनी बोलते हैं इंग्लिश में, और एकदम थोड़ा सा लिटिल बिट जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा शिलाजीत मिलाकर तब लेने से उसको फायदा होता है। लेकिन किडनी में स्टोन हो तो आप सीधे पत्ता लेकर के भी उसको धीरे धीरे समाप्त कर सकते हो। एक बार पहले आप मेडिकल में टेस्ट करवा के उसमें देख लो जो स्टोन है उसको, और इसको खाने के बाद ये नहीं है कि एक दिन के बाद कुछ टाइम लगेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा चेक करोगे तो तुमको खुद ब खुद पता चलेगा कि स्टोन जो है टूट टूट करके धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो दोस्तों ये जो इस प्लांट के जो गुण हैं, और बहुत ही साधारण सा प्लांट है, हर जगह मिलने वाला है, और परेशानी तो हमारे जब शरीर है तो इसमें लगे रहते हैं, तो मैंने इसको बहुत प्यार से आपसे शेयर मैं कर रही हूँ, और इतने ही प्यार से आपके जो प्यारे हों उनसे आप शेयर कर दें। और साथ ही मैं इस यहाँ पर आपसे बताती हुए चलूँ कि होम्योपैथी में इस प्लांट से मेडिसिन भी बनते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर कर दें। लाइक तो आप करें ही करें, नहीं तो मुझे मेरी हिम्मत आप तोड़ोगे अगर नहीं करते हो तो। और अगर नए आ रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। मैं चलती हूँ अगली वीडियो में आप सबों के लिए, फिर कोई अच्छी सी जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आराम, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।